जो हम लोग आया रानी का महल, इसका नाम है रानी का अंतपुर है। सो उस टाइम पे जो रानी लोग रहने के लिए जगह था ये, बट राजा भी आता था, रानी का जो रानी एक ही नहीं था, राजा भी आता था। बट ये जो पैलेस निर्माण किया सो कृष्ण देवराय का सनीला उस टाइम पे, उन रूलिंग टाइम पे 1542 में सो ये बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। इंद्र का इंद्र भवन कैसा रहने का, सो कैसा था, ऐसा रहना चाहिए बोल के उनका जो मन में था, उनका जो एक मेन इधर जो इंजीनियर था भयकरा रामप्पा लोकल इंजीनियर, बट और एक था रामैया अमत्या बोल के, इन दोनों का तरफ से ये जो पैलेस बनाने के लिए शुरुआत करते। टोटल 7 साल 7 ईयर्स लगते ये पैलेस पूरा बनाने के लिए। लोटस पैलेस है, टोटल 24 पिलर्स है, हर पिलर के ऊपर छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं। वो देख सकते हॉर्च है ना, वो उसको अर्धचंद्र बोलते हैं, हाफ मून। सो उस टाइम पे वो कार्विंग देख सकते, सारे जो हॉर्च है ना वो सारे कार्विंग अलग अलग कार्विंग किए हैं, बट उस टाइम पे 36 विंडोज़ है, देख सकते वेरी क्लियर। ऊपर का डिज़ाइन भी अलग है, वो लोटस का पेटल्स रहते ना, वो पेटल्स मॉडल जैसा बनाया है उस टाइम के। बट बीच में वाटर स्टोरेज टैंक है, बट 500 साल पुराना कुआं है, कुआं के अंदर अभी भी पानी है। बट पानी ऊपर कैसा चढ़ा था उस टाइम पे, मतलब जो सो मड पाइपलाइन पूरा इसका मिट्टी का पाइपलाइन हैड किया इसका अंदर। सो ये नीचे पैलेस नहीं, ऊपर पैलेस है, बट जाने के लिए उतरने के लिए रास्ता भी है, आपको दिखाऊंगा, बट अभी मना किया जाने के लिए, बट सारे लोग नाम लिखते हैं, सो उस तरफ से डिपार्टमेंट ने मना किया। बट उस टाइम से पानी चढ़ाने के लिए बेल को बांध के घुमाता था, सो पानी जो पंपिंग से आपको मालूम रहेगा, पंपिंग सिस्टम रहेगा, पर इनका मिट्टी से पाइपलाइन से जो बनाया, वो मिट्टी का पाइपलाइन से पानी रहता था, जो हवा अंदर जाते जाते सो कूल्ड होता था, बट नेचुरल हेयर कंडीशन जैसे बनाया। बट ये उस टाइम पे भयकर रामप्पा ने इसको बनाया एक्चुअली 16th century में। सो वेरी ब्यूटीफुल पैलेस, बट गर्मी टाइम पे विश्रांत करने के लिए रानी था इसका अंदर। देखिए इतना बढ़िया जो वॉल का जो देख सकते हैं आप लोग, जो दीवार है इतना बड़ा बड़ा दीवार, सो मतलब बाहर का जो बोल्डर्स एरिया है, बट टेम्परेचर कॉमनली सो वेरी हॉट लगता है। बट उस टाइम पे उस ज़माने में उनका माइंड पे आया जो नेचुरल एयर कंडीशन बनाना चाहिए क्वीन के लिए बोल के, आप लोग इसके ऊपर देख सकते, इसका पाइपलाइन भी देख सकते हैं, छोटी छोटी पाइपलाइन भी आप लोग कैसा जो फिक्स किया अंदर बोल के, मिट्टी का पाइपलाइन। ये जो 500 साल पुराना कुआ, कुआ के अंदर अभी भी पानी है, ऊपर का थोड़ा डिपार्टमेंट रेस्टोरेशन किए, बट वेल वेरी होल्ड देख सकते हैं डेप्थ है, सो अभी भी पानी उसका अंदर है, आप लोग देख सकते क्लियर। ये वॉच टावर आप क्लियर देख सकते अभी, देखो वॉच टावर, बट नीचे थोड़ा डिपार्टमेंट रेस्टोरेशन काम किए, बट ये 2019 में जो एंडिंग टाइम थोड़ा रेस्टोरेशन काम किए, सारे जो नाम लिखा था पूरा रिमूव किया, थोड़ा पत्थर भी अंदर दिखता था उसको फिर भी प्लास्टर किए देख सकते हैं। बट ये कार्विंग्स है ना, आप लोग हर जगह पे घूम के देख सकते हैं, एक ही तरफ से नहीं रहते, सब जगह पे अलग अलग कार्विंग्स है। बट उस टाइम पे एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट कैसा रहता था, सो एक ही तरफ से दिखाने के लिए जो वो पसंद नहीं रहता था, बट हर जगह पे अलग अलग कार्विंग एक ही आता। देखिए ये कॉर्नर में अंदर पाइपलाइन दिखता है, क्लियर दिखता है ना सर, वो सर तो मिट्टी का पाइपलाइन है, बट पूरा पैलेस का अंदर है, बट ओवरफुल होने के बाद पानी बाहर आने के लिए चाहिए ना, मालूम पड़ने का ना कैसा जो सारे पाइपलाइन में पानी है क्या नहीं बोल के। बट ओके ओवरफुल होने के बाद पानी निकलने के बाद जो स्टॉप करेगा सब पानी डालने के लिए, उन्हें जो बैल को घूमने के जो स्टॉप करेगा, बट उस टाइम देखिए इतना बड़ा विंडो बनाया सो हवा आने के लिए, बट जो मड पाइपलाइन इट्स वेरी क्लियर लाइम स्टोन कॉम्बिनेशन ऑल्सो वेरी कूल टेम्परेचर, सो उस टाइम पे नेचुरल 365 डेज नेचुरल एयर कंडीशन रहता था ये। सो ये पैलेस ऊपर चढ़ने के लिए इधर ये रास्ता देख सकते आप लोग, बट अभी मना किया सरकार ने, बट ऊपर जाने के लिए। सो देख सकते हैं ये जगह कितना जो परफेक्ट की है, एक जो जो क्वीन जाने के लिए था, सो ये भी देख सकते हैं वी शेप में बनाया है वेरी क्लियर। सो देख सकते हैं इतना जो एडिट पीपल जो नाम लिखा है, सो उस टाइम पे डिपार्टमेंट ने मना किया ऊपर जाने के लिए, नेक्स्ट फ्यूचर को दिखाना चाहे ना सर, और सिर्फ उस तरफ से अंदर जाने के लिए मना किया। बट ये सो उस टाइम पे नेचुरल एयर कंडीशन एसी रूम 500 इज ओल्ड, बट डी डोंट डिस्ट्रॉय, क्यों नहीं तोड़ा इसको, मतलब जो इंडो इस्लामिक स्टाइल। सो देख सकते हैं ये जो हॉर्च है ना इज वेरी क्लियर, सो हॉर्च है ना द वी शेप, इन साइड देख सकते जो डूम सिस्टम, द रेस्पेक्ट द कल्चर एंड इस्लामिक, सो दैट्स व्हाई डी डोंट डिस्ट्रॉयड। सो सिर्फ हम लोग देखने के लिए मौका मिला है, सो अदरवाइज हिंदू स्टाइल का पूरा जो सनातन धर्म स्टाइल का पूरा तोड़ के नाश किया बहुमनी सुल्तान्स। तो देख सकते इधर इसका नाम है गजशाल, बट ये हाथी रहने के लिए था उस टाइम पे, गजा मीनिंग्स एक्चुअली मेल, बट हाथी मीनिंग्स इज ए फीमेल, सो गजा यूज़ करता था उस टाइम पे। विजयनगर साम्राज्य में अजहर का ऊपर हाथी था, मतलब जो उस टाइम पे फर्स्ट देवर आए टाइम पे हाथी का जो ट्रेंड करने का बहुत शार्पनेस था,
जो संगमा डायनेस्टिक राजा टाइम पे, सो उस टाइम पे ये 11 हाथी सो बांधने के लिए बनाया था उस टाइम पे। वेस्ट डायरेक्शन है, देखिए हाथी का रहने के लिए इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, अगर उनका महल कितना बड़ा रहता था, जो राज परिवार का महल। सो पूरा महल नाश किया, पूरा जला दिया बहमनी सुल्तान ने। बट ये 11 हाथी एक एक रूम में एक एक हाथी रहता था उस समय में। देखिए ये माहूत लोग रहने के लिए, हाथी चलाने वाली, ड्राइंग करने वाली, सो माहौल लेने के लिए। देखो बेसमेंट उतना बड़ा बनाया, हाथी जाके उधर रुकता था, सो सारे मटेरियल इजी रख सकता था ऊपर। सो कितना परफेक्ट सिविल इंजीनियर वर्क था उस समय में, आप लोग देख सकते हैं। इधर तीन कल्चर है, फर्स्ट बुद्धिज्म है, देख सकते हैं, सो हिंदू है, इस्लामिक है। उस टाइम पे सर्वधर्म संभावन, उस टाइम पे इंडो इस्लामिक स्टाइल शुरुआत हुआ सेकेंड देवराय टाइम पे विजयनगर साम्राज्य में। सो उस टाइप सारे कल्चर पे निर्माण किया, बट इसको नाश नहीं किया बिकॉज इंडो इस्लामिक स्टाइल। सो स्लिप ऐसा आप लोग, हम लोग देखने के लिए एक मौका मिला है। हमारा जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पूरा मूर्ति अगर पैलेस स्ट्रक्चर तोड़ फोड़ के नाश किया। स्टोन डोर है उस समय का, एक ही पत्थर से बनाया डोर्स। इसके पीछे लॉक सिस्टम भी है, देख सकते हैं उस समय का। ये डिपार्टमेंट खुदाई किया, पीसेस मिला बाद में जोड़ के रखा है, बट ये डोर पर्टिकुलरली उधर था, एंट्री भी था। देखिए उतना बड़ा वॉल था, ये बाहर का वॉल भी उतना हाइट पे था, उधर रूफ था। सो ऑपरेटेड बाय एलिफेंट, आते से खोलता था, आते से बंद कर देता है डोर्स। उस ज़माने में डोर देख सकते हैं आप लोग, स्टोन डोर्स। बट ये पूरा एरिया था, रॉयल इंक्लोजर था, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हॉल भी था। सो बाद में दशहरा के लिए यूज़ करने के लिए ये जो जगह था, सारे राज परिवार सारे लोग आता था उस टाइम पे। कल्चर कल्टिविटिक्स कमर्शियल सिस्टम यहाँ चलता था, देख सकते हैं इतना बड़ा साइट है। सो जो इसका पीछे एडमिनिस्ट्रेशन हॉल था, बट पूरा नाश किया। बट इतना क्यों नाश हुआ, मतलब पूरा हाई स्ट्रक्चर बेसमेंट स्टोन पे बनाया पूरा। सो लकड़ी से बनाया था, रेड सैंडलवुड से बनाया था, पूरा उस तरफ से जला दिया, पूरा नाश किया। बट रूइंस कम्प्लीटली, किंग्स पैलेस कम्प्लीटली बर्न, सारे जला दिया। बेसमेंट ऑफ द किंग पैलेस हम लोग अभी देख कर आया, लोटस पैलेस एक ही बचा है विजयनगर साम्राज्य में। देखिए इसका नाम का है जो कहते महानवमी दिब्बा। सो महानवमी मीनिंग्स नौ दिन, दिब्बा मीनिंग स्टेज। इतना बढ़िया जो स्टेज बनाया, ये ऐसे प्लेन नहीं था इसके ऊपर, सो पूरा वुडन स्ट्रक्चर था, ऊपर रूफ था। मेरे पास जो रिक्रिएट फोटो है आप देख सकते, बट 1856 में बहमनी सुल्तान ने पूरा नाश किया था, आपको फोटो देख सकते इतना नाश किया था बहमनी सुल्तान ने। सो 1565 में पूरा नाश किया था, 1856 में अलेक्जेंडर जॉन गिल ने फोटोग्राफी किया था, ऐसा था ये स्ट्रक्चर। बट स्टोरी है थोड़ा, सो पूरा मतलब उस टाइम पे जो एक औरत भी कितना काम करता था, बट एक्चुअली उस टाइम पे वुमन भी। सो वुमन देख सकते हैं आप लोग अंटिंग कर रहे हैं, डियर अंटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं डियर अंटिंग कर रहे हैं। इधर देखिए डॉग लेके अंट करने के लिए जा रहे हैं, डॉग वेरी क्लियर कार्विंग्स नीचे देख सकते हैं, डॉग है। सो देखो रॉबिट को अंट करने के लिए डॉग पकड़ के लेके जाता था, अभी भी आज का समय में भी डॉग से अंटिंग करवाते हैं। सो ऊपर देख सकते हैं और ट्रेडर सेंटर था आपको बताया मैं, सो अश्व ट्रेडर सेंटर कितना बढ़िया था। ये देख सकते हैं इधर कैमल भी है, सो राजस्थान इज़ वेरी फेमस, और उस टाइम यूरोप कंट्री से भी आता था बोल के जो इंस्क्रिप्शन ने थोड़ा मतलब जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ाए हैं। बट उस टाइम देख सकते, ये देख सकते ना जो हाथी विजयनगर साम्राज्य का बहुत सारे हाथी था, मतलब जो तरफ क्लियर कार्विंग उस टाइम भी एक हार्मी का भी क्लियर देख सकते हैं आप लोग, कैसा वो डेडिकेट से काम चलता था हार्मी का। सेकंड डियर हंटिंग कैसा करता था, बट उस टाइम पे देख सकते ऊपर का देख सकते ट्रेडिंग लोग कैसा रहता था, इतना सुंदर कार्विंग किया। बट उस टाइम पे कोई फोटोग्राफी नहीं था, बट नेक्स्ट फ्यूचर को मालूम पड़ने के लिए ये पूरा सारे जो विजयनगर कल्चर दिखाया क्या कैसा था बोल के। ये देख सकते इधर कितना जो टाइगर होने जो कितना हंट करने के लिए बाद में। ये आपको जो दिख रहा है ये लाइन लाइन में है पूरा,
वो हम पाइपलाइन बोलते हैं ना, वो पाइपलाइन है, वो क्वीन बाथ से लेते हैं, ये जो गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं उसमें पानी जाके वो स्टोर होता है, और वो स्टोर वाला पानी सिर्फ दशहरे के टाइम इधर यूज़ होता है। दशहरे के टाइम ही इधर अलाउड है सब लोग को ऊपर आने के लिए, ऐसा है तभी का, अभी तो सब आ सकते, और दशहरे के टाइम अभी भी इधर मतलब फेस्टिवल रहता है। हम लोग अभी आया पुष्करणी, इसको कहते हैं कन्नड़ा भाषा में पुष्करणी, काला पत्थर का कल्याणी है। बट ये स्टोन पूरा यहाँ का नहीं है, कम्प्लीट वारंगल स्टोन है, आंध्र प्रदेश वहाँ से लाकर इसको जो बनाया। सो अभी कम से कम अभी एक 5 से 6 फीट पानी है इसके अंदर। सो देख सकते हैं ये पुष्करणी बनाया उस टाइम पे। बट सारे साउथ इंडिया लोग दशहरा नवरात्रि 9 दिन आचरण करने के लिए सारे साउथ इंडिया लोग आता था, मतलब जो साउथ इंडिया का पूरा कैपिटल विजयनगर था उतना लोग मिलता था। कितना बढ़िया तक नवरात्रि चलता था जो ये जगह पे आप लोग इमेजिन कर सकते। आज हम लोग वही स्टाइल विजयनगर साम्राज्य का कैसा चलता था वही स्टाइल मैसूर में देख सकते हैं चामुंडेश्वरी माता का। बट उस समय में पानी आने के लिए था ये कमलापुर, आपको मैं बताया उस लेक सिस्टम है, बट उधर से पानी आता था। ये पानी इधर पूरा फुल टैंक करता था उस टाइम पे, ये पानी पीने के लिए यूज़ करता था उस टाइम पे। सो देख सकते हैं, बट इसके अंदर बाहर जाने के लिए चेंबर सिस्टम था पानी। सो अभी जो नहीं दिखते, सूरज पूरा क्लोज हुआ सो उसलिए बारिश का पानी है। बट ये लक्ष्मी टेम्पल है, बट मंदिर क्यों बना है इधर, मतलब जो मंदिर का सामने पुष्कर नहीं रहेगा तो उसको कोई गंदा नहीं करते। सो सगर सामने कितना बढ़िया बढ़िया लोग था, मतलब सैनिक लोग बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ रहता था उस टाइम पे। देख सकते उनका खाना खाने का प्लेट है, बट ये प्लेट्स इधर ही ला के रखा है, बट इधर ही उन लोग खाना नहीं खाता था, जगह भी अलग है, उसका नाम है भोजना शाल। सो बढ़िया लाइन है, बीच में पानी आते इसको कोई नहीं उठाता था, फिक्स रहता था, उधर ही खा के साफ करता था स्टोन प्लेट्स। वेरी क्लियर, देखिए उसका उस टाइम पे क्वांटिटी कितना रहता था जस्ट इमेजिन कर सकते हैं हम लोग। बट दोज डेज वेरी स्ट्रांग पीपल, इज बिग हीटिंग, बिग हॉल वर्किंग ऑल्सो।